बिकॉज हाँ ओके सो वी वर हेयर एग्जाम्पल्स ऑफ एडवर्सरियल थ्रेट्स सोर्सेज एंड इवेंट्स वी हैव कवर्ड फ्रॉड एंड थेफ्ट इनसाइडर थ्रेट एंड थर्ड इज मैलिशियस हैकर ओके सो मैलिशियस हैकर सॉरी जस्ट वेट दिस वन सो मैलिशियस हैकर का क्या मतलब हुआ ऐसे देखिए इसकी पहले डेफिनेशन पे ऊपर आप फोकस करिएगा बड़े ध्यान से आपने देखना है. मैलिशियस हैकर इज़ एन इंडिविजुअल और ग्रुप हु इलीगली एक्सेस सिस्टम स्टील इंफॉर्मेशन और कॉज डैमेज. ये कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक पर्टिकुलर कोई पर्सन है मान लीजिए, या ग्रुप भी हो सकता है, एक कम्युनिटी हो सकती है पूरी हैकर्स की. ठीक है, जो क्या करता है, देखिए दो वर्ड होते हैं, एक होता है लीगल एक होता है इलीगल. लीगल हुआ वैध, ये अलाउड है मतलब, ठीक है. इलीगल हुआ उससे उल्टा, वो अलाउड नहीं है. ठीक है, तो इनका काम क्या होता है इंडिविजुअल या ग्रुप्स का, हैकर्स जो मैलिशियस हैकर जिनको हम बोलते हैं, ये इलीगली एक्सेस करते हैं किसी सिस्टम को, किसी नेटवर्क को, वो जो लीगल नहीं है उसको एक्सेस कर लेते हैं और स्टील करते हैं इंफॉर्मेशन को. स्टील करना हुआ चुराना, इंफॉर्मेशन को चोरी करते हैं या फिर कॉज डैमेज, डैमेज कॉज करते हैं, डैमेज वहाँ पे कुछ तोड़ फोड़ मतलब कुछ भी नुकसान वहाँ पे पहुँचाते हैं. ठीक है, ये बेसिकली एक ब्रॉड कैटेगरी है. मैलिशियस हैकर के अंडर बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं बेसिकली. किसकी कैटेगरी है? एडवर्सरियल थ्रेट्स की. मैलिशियस हैकर इज अ ब्रॉड कैटेगरी ऑफ एडवर्सरियल थ्रेट्स दैट कैन ब्रोकन इंटू स्मॉलर कैटेगरी सच एज. अब कौन कौन सी कैटेगरी है इसके अंदर? ये है सारी 9, ये सारी आपके सिलेबस में. ठीक है, तो मैलिशियस हैकर क्या क्या हुए? अटैकर भी हो सकते हैं, वो बॉट नेटवर्क ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं, क्रिमिनल ग्रुप्स होते हैं, फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विसेज होती हैं, ठीक है, फिशर्स, स्पैमर्स, स्पाईवेयर और मैलिशियस कोड ऑथर्स भी होते हैं, टेररिस्ट आपने नाम सुने होंगे, इंडस्ट्रियल स्पाइज आपने सुना होगा. ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें अल्फाबेटिकली ये बढ़ रहे हैं ए बी सी, सिर्फ पी और आई को छोड़ के. ये अल्फाबेटिकली मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ. ठीक है, ए बी सी, इस तरह से आपने अल्फाबेटिकली इनको याद करने की कोशिश करनी है. दो हैं ऊपर नीचे, एक आई वाला ये लास्ट वाला और एक पी वाला, बाकी सारे अल्फाबेटिकली अरेंज हैं. तो याद करने का ये तरीका मैं आपको बता रहा हूँ. तो वन बाय वन हम इनको कवर करेंगे. ओके, तो लेट अस स्टार्ट. फर्स्टली अटैकर. तो अटैकर क्या हुए? मैलिशियस हैकर ही हुए बेसिकली. ओके, ये इनका ये काम क्या करते हैं? दे ब्रेक इनटू नेटवर्क. वो किसी एक नेटवर्क को ब्रेक करते हैं, किस किस लिए? थ्रिल के लिए, यानी कि रोमांच. थ्रिल मीन रोमांच, एंड चैलेंज यानी कि किसी ने उसको चैलेंज किया है, यार तू ये काम नहीं कर सकता, इस नेटवर्क को हैक करके बता. होता ना जो 9th 10th स्टैंडर्ड के बच्चे होते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग यू. ओके, तो किसी ने बोल दिया यार तू इस सिस्टम को ना हैक करके बता, तो चैलेंज दिया किसी ने. ठीक है, ये इसके पीछे रीजन हो गया ब्रैगिंग राइट्स इन द अटैकर कम्युनिटी. ब्रैगिंग राइट्स क्या हुआ? ब्रैगिंग क्या होता है? ब्रैगिंग होता है मतलब हाँ डींगे मारना, बड़े बड़े डींगे मारते हैं ना कहीं, मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दिया मैंने आज, उस नेटवर्क को हैक कर दिया आज कॉलेज में. है ये कहाँ पे करते हैं, कहाँ बोलते हैं? ये अटैकर की कुछ एक कम्युनिटी होती है. मान लीजिए एक अटैकर का ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे किसी ने सुबह मैसेज डाल दिया कि आज मैंने गवर्नमेंट वाली हमीरपुर के ना 3 सिस्टम डाउन कर दिए. ठीक है, तो वहाँ डींगे मार रहा था, ब्रैगिंग राइट्स. ठीक है, तो अटैकर कौन हुए? ये क्या काम करते हैं? किसी नेटवर्क को ब्रेक करते हैं. किस किस पर्पज से? उनके मोटिव क्या होता है उनके पीछे? थ्रिल का, यानी कि रोमांच, मजा आता है उनको. चैलेंज यानी कि या किसी ने चैलेंज दिया हो तो इसको ये करके दिखा, या ब्रैगिंग राइट्स यानी डींगे मारते हैं. ठीक है, ये वो होते हैं अटैकर्स. अच्छा, ये कैसे छोटे छोटे बच्चे ये कर पाते हैं? ये थोड़ा सा बड़ा सेंसिटिव सा मैटर है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ और इसे आप ट्राई मत करिएगा. ओके, इंटरनेट पे बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारी अटैक करने की स्क्रिप्ट जो हैं अवेलेबल हैं, जिसे आप डाउनलोड करके अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करके अटैक परफॉर्म कर सकते हो. ठीक है, लेकिन करने नहीं हैं, इस बात को आप ध्यान से सुन लीजिए. ऐसा नहीं कि आपने बोला हाँ सर ने बताया था कि ये अवेलेबल है, लग गया डाउनलोड करने, इंस्टॉल किया और कहीं फंस गए, फिर मत बोलना मेरे को. ठीक है, इसलिए छोटे से नेटवर्क पे आप ट्राई ये जरूर कर सकते हो, क्योंकि लैब्स अभी खुली नहीं है, अदरवाइज मैं आपको प्रैक्टिकली ये परफॉर्म करके दिखा सकता. दो सिस्टम आपस में जोड़े हैं, एक दूसरे को हैक, जो वो इस तरह से हम सीख सकते हैं छोटा मोटा, लेकिन इंटरनेट के थ्रू ये ट्राई मत करिएगा, दिस इज वेरी डेंजरस.
ओके तो अटैकर्स क्या, क्यों छोटे छोटे बच्चे अटैकर का काम कर रहे हैं आजकल, हैक कर दे रहे हैं? क्योंकि जो रियल हैकर्स होते हैं उन्होंने अटैक की जो स्क्रिप्ट्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, प्रोटोकॉल को ये चलाने वाले सारे अवेलेबल हैं इंटरनेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, जस्ट उनको डाउनलोड करिए और यूज़ करिए, वो होते हैं अटैकर्स, ठीक है। तो इतना ही करिए इसमें। सेकेंड इज़ बॉट नेटवर्क ऑपरेटर्स। ये क्या है? बॉट नेटवर्क ऑपरेटर्स अंडरटेक द कंट्रोल ऑफ मल्टीपल सिस्टम। एक आपके पास मशीन है, उससे आपने मल्टीपल मशीन को अपने कंट्रोल में लिया हुआ है, इसलिए टू ऑर्गेनाइज अटैक। आपके पास आपका स्मार्टफोन है, आपने एक पर्टिकुलर वेबसाइट के थ्रू बहुत सारी मशीन्स को अपने कंट्रोल में लिया हुआ है और वहीं से अटैक आप परफॉर्म कर रहे हो, ठीक। तो वो बॉट नेटवर्क ऑपरेटर हुए आप। इसीलिए बॉट नेटवर्क क्या हुआ, जो ऑटोमेटिकली जो एक पर्टिकुलर मशीन से कमांड एक्सेप्ट करके अटैक परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये करते हैं टू ऑर्गेनाइज अटैक्स एंड डिस्ट्रीब्यूट फिशिंग स्कीम्स, स्पैम एंड मेलिशियस कोड, इनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये बॉट नेटवर्क ऑपरेटर्स जो हैं यूज़ में आते हैं बेसिकली। तो बॉट नेटवर्क ऑपरेटर्स एंड अटैकर्स, ये है क्या, मेलिशियस हैकर्स हैं बेसिकली, ठीक है। बॉट नेटवर्क अलग हुआ, लेकिन बॉट नेटवर्क को ऑपरेट करने वाला जो पर्सन हुआ वो बॉट नेटवर्क ऑपरेटर कहलाया। जिस तरह से अटैक अलग चीज़ है, अटैकर अलग है, उस तरह से बॉट नेटवर्क, या फिर सिंपली हम कई बार बॉट भी कहते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन उसको जो ऑपरेट करने वाला जो पर्सन हुआ दैट इज़ कॉल्ड बॉट नेटवर्क ऑपरेटर्स ऑपरेटर, ठीक है। ओके, ये दो हो गए। थर्ड देखिए, क्रिमिनल ग्रुप्स। अब इनका मेन टारगेट क्या होता है क्रिमिनल ग्रुप्स का? मनी, मनी, ठीक है। कंप्यूटर हैकिंग करके, या मलिशियस हैकर्स होते हैं ये भी बेसिकली, ये ग्रुप मेंबर्स, तो ये इनके माइंड में होता है मनी, कि पैसा समहाउ इन्होंने कमाना है, अर्न करना है, ठीक। तो ये देखिए, क्रिमिनल ग्रुप्स सीक टू अटैक सिस्टम, वो सिस्टम को अटैक करना चाहते हैं, इसलिए फॉर मॉनेटरी गेन। मॉनेटरी गेन हुआ पैसा, पैसा गेन, पैसा ही इनके माइंड में होता है बेसिकली। ये कैसे करते हैं, ये दे यूज स्पैम, स्पैम मेल डाल दी, स्पैम व्हाट्सएप में एक बहुत बड़ा ग्रुप है, वहाँ पे एक मैसेज डाल दिया, एक लिंक सा, उसमें जैसे लिंक पे क्लिक किया सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई वो सारी, और वहीं से आप अटैक जो है परफॉर्म कर सकते हैं, ओके। दे यूज स्पैम फिशिंग एंड स्पाईवेयर मैलिशियस कोड टू कमिट आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी की आइडेंटिटी चुराने के लिए, उसका यूजर नेम पासवर्ड चुराने के लिए आइडेंटिटी थेफ्ट हुआ ये, एंड ऑनलाइन फ्रॉड परफॉर्म करने के लिए ये जो है काम करते हैं। ये किसी एक नेशन यानी कि राष्ट्र देश की सिक्योरिटी पे, इंडस्ट्री एस्पियोनाज पे, या लार्ज स्केल मॉनेटरी थेफ्ट पे एंड रिक्रूटमेंट ऑफ न्यू हैकर्स पे जो है काम करते हैं बेसिकली, ओके। तो किसी एक देश के लिए ये बहुत खतरनाक होते हैं बेसिकली। आगे देखिए, फोर्थ। फोर्थ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये आपने मूवीज वगैरह में भी सुना होगा कि एक कंट्री का जासूस दूसरी कंट्री में पकड़ा गया, बोलते हैं ना कई बार, ओके। तो वो आते हैं बेसिकली इसमें। होता क्या है, फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विसेज सभी कंट्रीज़ की होती हैं लगभग, सभी को पता होना चाहिए, हर एक कंट्री की एक जासूसी विभाग होता है, ठीक है। वो एक कंट्री का दूसरी कंट्री में क्या हो रहा है वो सारी जानकारियाँ इकट्ठी करने की कोशिश करता है फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विसेज के थ्रू। उसमें क्या होगा, देखिए वो करते क्या हैं, वो साइबर टूल्स को यूज़ करते हैं। देखिए इस बुक में सिर्फ इतना लिखा है कि साइबर टूल यूज़ करते हैं, कौन सा टूल यूज़ करते हैं दैट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस, ठीक है। ये आपको बार बार मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, क्योंकि लास्ट चैप्टर आप जरूर अच्छे से पढ़िएगा, फिर आपको पता लगेगा कि कितनी खतरनाक ये चीज़ें हैं। साइबर टूल्स यूज़ करते हैं वो किस लिए, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए, ठीक है। स्पाइनेज, सॉरी स्पाइनेज होता है ये जासूसी करना, ठीक है। एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसको परफॉर्म करने के लिए, और कुछ एक कंट्रीज़ तो ऐसा भी करते हैं कि उन्होंने एक प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट बना रखा हुआ है कि अगर आपने किसी नेशन को डाउन करना तो उसके उसके स्टेप्स बना रखे हैं बेसिकली। जैसे हम बनाते हैं ना एल्गोरिथम बनाते हैं किसी चीज़ का, वैसे इन्होंने पूरे स्टेप बाय स्टेप जो बना रखे हैं, पहले ये करिए फिर ये, इतनी ज़्यादा उन्होंने उसकी जो है डॉक्ट्रिन कर रखी होती है बेसिकली, या प्रोग्राम्स बनाए होते हैं,
ठीक है, या कैपेबिलिटीज टू अटैक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ए नेशन। ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट समझना है यहाँ पे। देखिए, एक कंट्री अलग है, दूसरी कंट्री अलग है। एक कंट्री वाले दूसरी कंट्री वाले से मान लो समहाउ बदला लेना चाहते हैं। ओके, तो मैं क्या करूँगा, मैं अगर एक कंट्री में दूसरी कंट्री के मैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करूँगा। ये बार बार ये वर्ड आपको सुनने को मिलेगा, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, किसी एक देश को आपने डाउन करना है, कैसे आप करोगे, उसके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करोगे। अब ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होते क्या हैं, जैसे पावर ग्रिड। अगर मैंने किसी कंट्री का पावर ग्रिड फेल कर दिया तो पूरी कंट्री में जो पावर सप्लाई बंद हो जाएगी, बिजली खत्म हो जाएगी, नहीं आएगी, मतलब गुल हो जाएगी बिजली। ओके, सेकेंड टेली कम्युनिकेशन। अगर टेली कम्युनिकेशन अटैक मैंने कर दिया, मतलब समहाउ उनके टेली कम्युनिकेशन को डाउन कर दिया, तो कोई भी आपस में बातचीत नहीं कर सकता वहाँ पे पूरे कंट्री में। थर्ड, ट्रांसपोर्टेशन को पे मैंने डाउन कर दिया। ट्रांसपोर्टेशन में जैसे जो ऑनलाइन हो रखी है सारी सर्विसेज, बाय एयर या बाय रोड जो जा रही हैं, ट्रेन जा रही हैं, सभी को मैंने ब्लॉक कर दिया। अगर वो वहाँ पे कुछ मैंने गड़बड़ कर दी तो ऑयल एंड गैस, अगर वो इंटरनेट के थ्रू ऑपरेट हो रही तो उस पर अगर मैंने अटैक कर दिया तो सारा ऑयल एंड जो गैस का सिस्टम जो घर घर पहुँच रहा है वो सारा बंद हो जाएगा। वाटर सप्लाई ये बंद हो जाएगी। ठीक है, बैंकिंग एंड फिनांस ये, या एमरजेंसी सर्विसेज या एग्रीकल्चर, ये सारे बेसिकली क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ए कंट्री होते हैं। जब बात आती है दो कंट्रीज की आपस में साइबर वॉर की, तो इन चीज़ों पे फोकस होता है। तो फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विसेज, बेसिकली मैलिशियस हैकर्स ही होते हैं ये, वो परफॉर्म करते हैं ये। उनका क्या काम होता है, बेसिकली दूसरी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डाउन करना। और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने आपको गिना दिया चार पांच, पावर ग्रिड हो गया, टेली कम्युनिकेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, ऑयल एंड गैसेज, वाटर सप्लाई। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई आपकी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ नेशन में। ठीक है, आगे देखिए। और ये करते क्या हैं, ये फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विसेज जो होती हैं, दे मे आल्सो भी इंटरेस्टेड, ये कुछ एक और चीज़ों में भी इंटरेस्टेड होती हैं, और तरह की इंफॉर्मेशन, जैसे किसी एक कंट्री का जो सीनियर ऑफिसर है वो कहाँ कहाँ जा रहा है, क्या वो जापान जा रहा है, क्या उसे रास्ते में पकड़ सकते हैं, क्या वो कहाँ से जा रहा है, वहाँ से उसका ट्रैवल जो प्लान है उसको, किसका ट्रैवल प्लान, सीनियर ऑफिशियल का। मान लीजिए किसी देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, व्हाटएवर, सीनियर जो ऑफिशियल होते हैं उसके ट्रैवल हिस्ट्री या ट्रैवल प्लान को वो की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं या इंटरेस्टेड होते हैं। सिविल डिफेंस एंड एमरजेंसी प्रिपेयरनेस, अगर कोई वार हो रही है, एमरजेंसी पड़ रही है, तो कैसे आपकी तैयारियां हैं वहाँ पे, उस चीज़ के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन वो इकट्ठे करने की कोशिश करेगा। मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी क्या क्या आपकी कंट्री में, उसको ऊपर वो इंटरेस्टेड होगा। ठीक है, सैटेलाइट डाटा क्या है आपका, उसके ऊपर इंटरेस्टेड होगा। पर्सनल एंड पेरोल डाटा, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉई है उसका पूरा डाटा, या उनकी पेरोल डाटा यानी कि उनकी सैलरी का डाटा। ठीक है, लॉ इन्फॉर्मेंस, सॉरी लॉ इन्फोर्समेंट, इन्वेस्टिगेटिव एंड साइबर फाइल्स, ये सॉरी सिक्योरिटी फाइल्स कुछ एक रहते हैं। ठीक है, तो उनके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन इनकी रहती है, नज़र रहती है, सॉरी इसकी, फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विसेज की। तो ये बहुत ही खतरनाक माना गया है। ओके, नेक्स्ट देखिए, फिशर्स। फिशर्स क्या हुए, दे आर इंडिविजुअल, या अकेला भी हो सकता है, इंडिविजुअल सिंगल, अकेला अकेला आदमी, कोई अकेला लड़का, अकेला पर्सन। ओके, या फिर ग्रुप में भी हो सकते हैं। फिशर्स आर इंडिविजुअल और स्मॉल ग्रुप दैट एग्जीक्यूट फिशिंग स्कीम्स। फिशिंग स्कीम को वो एग्जीक्यूट करते हैं, किस लिए, टू स्टील आइडेंटिटीज, किसी का यूजर नेम पासवर्ड चुराना, और इंफॉर्मेशन, वही इंफॉर्मेशन चुराना फॉर मॉनेटरी गेन, पैसे के पीछे, मॉनेटरी मीन पैसा। ठीक है, तो फिशर्स जो होते हैं वो भी बेसिकली मैलिशियस हैकर के अंदर ही आते हैं, जिनका मेन काम क्या होता है, मॉनेटरी गेन के लिए फिशिंग स्कीम को लॉन्च करना, टू स्टील आइडेंटिटीज और इंफॉर्मेशन। दे मे ऑल्सो यूज स्पैम एंड स्पाईवेयर, मलिशियस कोड टू अकॉम्प्लिश देयर ऑब्जेक्टिव्स, वो इनको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये तो सभी जगह आएगा। सिक्स देखिए, स्पैमर्स, स्पैम मेल्स आपने देखा होगा, कई बार बहुत सारी मेल्स आती हैं। ठीक है, वो स्पैम फोल्डर में आपकी ऑटोमेटिकली गूगल डाल देता है। ठीक है, तो वो होते हैं ये स्पैमर बेसिकली, जो ये मेल क्रिएट करते हैं। देखिए, स्पैमर्स आर इंडिविजुअल, वंस अगेन इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, दैट डिस्ट्रीब्यूट अनसोलिसाइटेड ईमेल विद हिडन और फॉल्स इंफॉर्मेशन टू सेल प्रोडक्ट्स। कोई एक प्रोडक्ट बेचने के लिए
उन्होंने कोई हिडन या फिर झूठी इन्फॉर्मेशन अपनी ईमेल में डाल के बांटी होती है इंटरनेट पे, ठीक है। वो कंडक्ट करते हैं फिशिंग स्कीम्स, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं स्पाईवेयर, मालिशियस कोड और अटैक ऑर्गेनाइजेशन। जैसे फॉर एग्जांपल डोस अटैक अगर आपने परफॉर्म करना है तो उसके लिए वो कोड भी वहाँ पे इंसर्ट करके अंदर स्पैम मेल पे डाल सकते हैं स्पैमर्स। ओके, स्पैमर्स आर ऑल्सो मैलिशियस हैकर। सेवंथ, स्पाईवेयर या फिर मैलिशियस कोड ऑथर, ऑथर होंगे वो खुद ही लिखने वाले होंगे उन स्पाईवेयर को या फिर मैलिशियस कोड को, वायरसेस को, ठीक है। दे आर इंडिविजुअल और ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन हु मैलिशियसली परफॉर्म अटैक्स अगेंस्ट कस्टमर बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग मैलिशियस कोड एंड स्पाईवेयर। बस इतना याद रखिए इसमें। तो स्पाईवेयर और मैलिशियस कोड के जो ऑथर्स होंगे, ये बेसिकली प्रोग्राम्स होंगे, ये स्पाईवेयर मैलिशियस कोड, ठीक है, कोड लिखा है तो प्रोग्राम होगा, सॉफ्टवेयर होगा, हार्डवेयर नहीं होगा। तो उसके जो राइटर होंगे, ऑथर्स होंगे, उसकी बात यहाँ पे करेंगे, वो भी बेसिकली मैलिशियस हैकर की कैटेगरी में आएंगे। ओके, एट्थ देखिए, टेररिस्ट, ये आपने नाम सुना होगा, आतंकवादी, ठीक है। टेररिस्ट सीक्स टू डिस्ट्रॉय, वो क्या डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, सॉरी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे या इनकैपिशिएट करने की कोशिश करेंगे। इनकैपिशिएट क्या हुआ, किसी देश की कोई क्षमता है उसको गिराने की कोशिश करेंगे, कैपेसिटी को गिराने की कोशिश करेंगे, इनकैपिशिएट। और एक्सप्लॉयट यानी कि शोषण करने की कोशिश करेंगे किसको, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, जो मैंने आपको गिनाए थे, पावर ग्रिड हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ऑयल एंड गैस हो गया, वाटर सप्लाई, सीवेज, बैंकिंग, एमरजेंसी सर्विसेज, एग्रीकल्चर, ये होती है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ए कंट्री। उसको डिस्ट्रॉय करना, उसको उसकी क्षमता को गिराना और उसका शोषण करना, ये इनके टारगेट में होता है, किसके, टेररिस्ट के, या फिर कॉज मास कैजुअलिटी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मार गिराना, वीकन द नेशनल इकोनॉमी, किसी देश की इकोनॉमी को गिराना, वीक करना, कमज़ोर करना, एंड डैमेज पब्लिक मोरल, जो लोगों का जो मोरल है उसको गिराना या फिर उसके लोगों को डराना या कॉन्फिडेंस उनका गिराना, ये टेररिस्ट का काम रहता है, ठीक है। टेररिस्ट में यूज़ फिशिंग स्कीम, क्या क्या यूज़ कर सकते हैं वो, क्या क्या करते हैं, बेसिकली फिशिंग स्कीम को लॉन्च करेंगे, स्पाईवेयर या फिर मैलिशियस कोड को जनरेट करेंगे, किस लिए, टू जनरेट फंड, पैसा इकट्ठा करने के लिए। कई बार आती है ना मेल आपको कि मैं बहुत गरीब हूँ और मेरा बच्चा देखो, फोटो सा लगा देंगे एक सड़ा सा, और तुम छोटा सा बच्चा होगा हॉस्पिटल में होगा कि वो बीमार है, उसे एक अगर आप 10 रुपये भी देंगे तब भी आपकी बहुत जो है बहुत भलाई होगी, वट एवर, इस तरह का सोडो मैसेज आएगा। आप बींग ए इंडियन, खासकर हिमाचली लोग बड़े भोले होते हैं, राइट, तो वो चुपके से पैसे डालें, ले भाई तेरे को 10 रुपये दे। कई बार घरों पे आते हैं लोग, जी वहाँ हमारे घर में बाढ़ आ गई है तो काइंडली कुछ एक पैसे दे दो हमारे, तो हम पैसे दे देते हैं, अनाज दे देते हैं, गाँव में आते हैं लोग, तो वो बेसिकली फंड इकट्ठा भी करते हैं। जरूरी नहीं है सभी ऐसे हों, लेकिन मैक्सिमम जो है टेररिस्ट ऐसे ही होते हैं। ओके, अच्छा, टू जनरेट फंड और गैदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वो इकट्ठा करते रहते हैं। दे मे ऑल्सो अटैक वन टारगेट टू डाइवर्ट अटेंशन और रिसोर्सेज फ्रॉम अदर टारगेट्स। यस, ये भी एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई इसमें। इसमें क्या है, जैसे जैसे कई बार आपने सुना होगा, ठीक है, जरूरी नहीं है ये एग्जैक्टली इसी चीज़ से रिलेटेड हो सकता थोड़ी सी। जैसे कई बार क्या होता है, कोई हमारे देश का कोई मान ली प्रेजिडेंट या प्राइम मिनिस्टर किसी एक जगह पे इंडिया में घूम रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे सॉरी, तो जब सारा फोकस वहाँ पे है उसकी सुरक्षा के लिए, तो दूसरी जगह वीकनेस हो जाती है कंट्री में, मतलब कि देखिए सारी पुलिस फोर्स वगैरह वहाँ लगी हुई है, तो दूसरे एरिया में कम फोर्सेस लगी होंगी, तो दूसरे एरिया में फिर अटैक परफॉर्म करते हैं। एक जगह छोटा अटैक किया तो सभी का ध्यान वहाँ चला गया छोटी जगह, और बड़ी जगह फिर बड़ा अटैक परफॉर्म करते हैं। दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल, यहीं लिखा है, दे मे आल्सो अटैक वन टारगेट, एक टारगेट पे वो अटैक करेंगे, किस लिए, टू डाइवर्ट अटेंशन, अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए, और रिसोर्सेज फ्रॉम अदर टारगेट्स, फिर वो दूसरे टारगेट पे जाके बड़ा अटैक परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये जैसे हमारे कैंपस में मान लो
दो लड़के आपस में लग गए लड़ने, तो सारे वहाँ चले जाएंगे देखने को, यार दो लड़के लड़ रहे हैं, देखते रहेंगे उनको, देखते रहेंगे, ये वीडियो बनाएंगे, लाइव हो जाएंगे। ओके, वो दूसरी जगह जब वहाँ पे कोई नहीं होगा वहाँ पे चोरी हो जाएगी। इस तरह से ये सिचुएशन बेसिकली टेररिस्ट के माइंड में रहती है। ठीक है, ओके, लास्ट देखिए इंडस्ट्रियल स्पाइस। अब देखिए हर एक कंट्री की इंडस्ट्री का उस कंट्री की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा योगदान होता है, ये आपको मानना पड़ेगा। जो भी इंडिया में जो प्रोड्यूस हो रही है चीज़ें हमारी इंडस्ट्री से, वो हमारी इंडिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रही है। ओके, लेकिन होता क्या है, अब दो देश आपस में दुश्मन है मान लीजिए, तो दूसरे देश वाले क्या करेंगे, हमारी इंडस्ट्री की स्पाइस करेंगे, जासूसी करेंगे कि वहाँ पे कौन से पेटेंट, कौन कौन सी वहाँ पे मशीनें लगी हुई हैं। ठीक है, उसके बारे में है बेसिकली। इंडस्ट्रियल एस्पायनर्स सीक्स टू एक्वायर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड नो हाउ यूजिंग क्लैंडस्टाइन, सॉरी क्लैंडस्टीन मेथड्स। ये मेथड क्या होते हैं, जो गुप्त मेथड होते हैं, राइट, उसको हम यहाँ पे नाम देते हैं। तो नो हाउ क्या हुआ, कैसे वो काम कर रहा है, पूरा आपका इंडस्ट्री में कैसे काम हो रहा है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अगर आपने वहाँ पे कुछ एक्वायर कर रखी है, ठीक है, सॉरी इंडस्ट्री में यूज़ में आपने डाल रखी है, की हुई है, तो उसको भी वो एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। तो ये होते हैं आपके इंडस्ट्रियल स्पाइस। सो दिस इज ऑल अबाउट दीज थ्री पॉइंट्स वी हैव कवर्ड, फ्रॉड एंड थेफ्ट, इंडस्ट्रियल थ्रेट, मेलिशियस हैकर। दीज आर नथिंग बट एग्जाम्पल ऑफ एडवर्सरियल थ्रेट, सक्सेस एंड इवेंट्स। ओके, तो लेट मी शो योर सिलेबस। तो बेसिकली वी हैव कवर्ड द चैप्टर नंबर टू फ्रॉम हेयर टू हेयर, हेयर ओनली, यस। एडवर्सरी थ्रेट्स के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, फ्रॉड एंड थेफ्ट वी हैव कवर्ड, इनसाइडर थ्रेट वी हैव कवर्ड, मैलिशियस हैकर वी हैव कवर्ड। सो नेक्स्ट टाइम वी विल कवर मैलिशियस कोड। ओके, मैलिशियस कोड क्या हुआ है, यार ऐसा कोड जो कि मैलिशियस हो, जैसे वायरसेस, वॉर्म, ये सारे उसकी कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। सो दिस मच इज सफिशेंट फॉर टुडे, सो लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।